नेटफ्लिक्स पर चल रही वेब सीरीज की फिल्म एसोटेबल बॉय में दिखाए अश्लील दृश्यों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तिवारी ने एसपी रीवा से विरोध दर्ज कराया है। इसके दृश्यों को लेकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तिवारी ने कहा कि अगर डायरेक्टर ने अहिल्या बाई और माहेश्वर की पृष्ठभूमि वाले सीन नहीं हटाए तो हिंदू समाज के लोग आहत होकर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने इसे लव जिहाद से जुड़ा बताया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में ट्वीट कर कहा कि एक ओटीटी मीडिया प्लेटफॉर्म पर ए सुटेबल बॉय नामक फिल्म जारी की गई है। इसमें बेहद आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए हैं जो एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करते हैं। मैंने पुलिस अधिकारियों को इस विवादास्पद कंटेंट का परीक्षण करने को निर्देशित किया है। पुलिस अधिकारी परीक्षण कर बताएंगे कि संबंधित ओटीटी प्लेटफॉर्म और फिल्म के निर्माता निर्देशक पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शिकायत के बाद रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी वेब सीरीज या फिल्म के फिल्मांकन को लेकर एक कमेटी का गठन होता है। कमेटी से एनओसी दिए जाने के बाद ही फिल्मांकन किया जाता है। वे पूरे मामले की जांच करेंगे और आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरव तिवारी का कहना है कि मंदिर में जूते पहनकर जिस तरह के दृश्य फिल्माए गए हैं वे धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध हैं। इस तरह की वेब सीरीज समाज में बांटने का काम कर रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर यह हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। गौरव तिवारी का कहना है कि यह लव जिहाद से जुड़ा है जिसमें नायिका एक सीन में कहती है कि तुमने मुझे अपना सरनेम क्यों नहीं बताया। इस पर वह कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। उनका यह भी कहना है कि जब इसकी शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई थी तब प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी। विक्रम सेठ की किताब पर आधारित एक सीरीज जो कई दिनों से नेटफ्लिक्स पर चल रही जिसका नाम है सुटेबल बॉय, उसके दूसरे एपिसोड में तीन जगह ऐसे स्थानों पर किसिंग सीन्स दर्शाए गए हैं जो बिल्कुल भी सहनीय नहीं हैं। मंदिर में भगवान शिवलिंग के सामने और मंदिर प्रांगण में जहाँ पे भजन चल रहा है उस समय इस सीन को दर्शाए गए हैं और हमने मांग की है एसपी साहब से कि इसको तुरंत हटाया जाए और इनके जो मार्केटिंग के नेटफ्लिक्स के जो वीपी कंटेंट हैं और मोनिका शेरगिल और डायरेक्टर पॉलिसीज़ हैं अंबिका खुराना, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इन्होंने जो फिल्म दर्शाए हैं नाम बदल दिए हैं लेकिन जो स्थान है वो बहुत ही पूजनीय है हमारे लिए। महेश्वर में अहिल्या बाई जी की जो राजधानी रही है वहाँ पे जो भगवान शंकर का आराध्य जगह है वहाँ पे उस प्रांगण में इन्होंने माँ नर्मदे के सामने इस तरह की चीज़ों को दर्शाया गया है जो बिल्कुल भी सहनी नहीं है। ये किसी चीज़ तुरंत हमें हटानी चाहिए और मैं मांग करता हूँ कि नेटफ्लिक्स के जो इनके अधिकारी हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हो, FIR दर्ज हो। नॉन अवेलेबल OTT मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सूटेबल बॉय कार्यक्रम जारी किया गया है जो आपत्तिजनक मानता हूं मैं। एक मंदिर के अंदर एक व्यक्ति चुम्बन के दृश्यों को फिल्मा रहा है और पीछे भजन जैसा चल रहा है, लगातार दो तीन बार इस तरह का किया है जो मुझे प्रतीत होता है कि भावनाओं को आहत करता है। मैंने अधिकारियों को निर्देश किया है कि वो इसका परीक्षण करें। OTT प्लेटफार्म पर ये कार्यक्रम क्यों कर, क्या उद्देश्य से इसको पुनः प्रारंभ किया है पुरानी थीम को, निर्माता निर्देशक पर क्या कार्रवाई हो सकती है, इन सभी बिंदुओं का परीक्षण कर मुझे तत्काल अवगत कराएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।